गए थे तो मौली साहब नमाज पढ़ा, तो पीछे वाला का जींस था थोड़ा ढीला, वो नीचे हो गया। उससे पीछे वाला वो भी जींस वाला था, वो पहली बार मस्जिद में आया था। अरे बात समझ रहे हो? समझ गया ये लोग। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे जींस वाला, उसका जींस ढीला, उसके पीछे भी जींस वाला। ये जो इमाम के पीछे जींस वाला था, इसका जींस ढीला और ये 3-4 इंच नीचे ऊपर हो गया। अब बोलने नहीं दीजिएगा आप लोग, समझ गया सब। अब बताइए इतनी अच्छी तकरीर कौन समझे? तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं। मेरी बहन याद रखो, ये मोबाइल जहन्नम में जाने का सबसे आसान तरीका है। इस मोबाइल ने पूरे माशरे को तबाह और बर्बाद किया है, घरों को वीरान किया है, घर की इज्जत को सड़कों पर लाकर चौराहे पर लाकर नीलाम किया है। वो लड़का जो दिल्ली और पंजाब और कश्मीर कमा रहा है, 6 मंजिला इमारत पर है, रस्सी टूट गया, शहीद हो गया, इनको 18,000 का मोबाइल चाहिए। जब बेचारा कमा कर आया तो मुंह फुलाकर बैठी है, 18,000 का मोबाइल चाहिए। जान हथेली पर लेकर कमा रहा है, इसको 18,000 का मोबाइल चाहिए। बाप को जाड़े का कपड़ा नहीं है, इसको 18,000 का मोबाइल चाहिए। माँ को बेहतरीन गर्म कपड़ा नहीं है, इसको 18,000 का मोबाइल चाहिए। घर में खाने को दाना नहीं है, इसको 18,000 का मोबाइल चाहिए। बेटा बीमार है, इलाज के लिए चिंता किया जा रहा है, लेकिन मैडम को 18,000 का मोबाइल चाहिए। जब हमारा माशरा मोबाइल के पीछे दीवाना हो जाए तो याद रखना, तुम्हारी तबाही लिख दी गई है, दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। हमारी मां, हमारी बहनें, पर्दों का रिवाज बनाइए, पर्दों के अंदर अपनी जिंदगी गुजारिए। शोहर आए तो हंसी से गुफ्तगू कीजिए, हंसकर बात कीजिए, मुंह फुलाकर ना बैठिए। और इसके साथ साथ हमारे इधर क्या होता है, जब हमारी औरतें, माँ बहनें शहर जाती है मार्केटिंग करने के लिए, तो कभी कभी घर में स्नो पाउडर ख़त्म हो जाता है, नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता बाबा? आपके यहाँ नहीं होता, चूँकि आप लोग स्टॉक में रखते हैं, रखते हैं ना स्टॉक में? नहीं? हाँ, और ये बाप भाई छोरा बहुत सताया हुआ है, ये मेरी सब बात को समझ रहा है, ये सताया हुआ है। अल्लाह ताला तेरे लिए आसानी का रास्ता हमवार फरमाए। अच्छा, हमारे यहाँ का रिवाज ये है, जब औरतें जाती हैं तो मेकअप करके जाती है ना। आपके यहाँ अच्छे लोग हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मेकअप का सामान घर में ख़त्म हो गया, अलमारी में नहीं है, तो अब वो जल्दी 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 क्या करती है मालूम है? मालूम क्या करती है? जल्दी जल्दी में वो आटा लेती है, अपने हाथों पर मलती है और चेहरे पर लगा कर निकल जाती है आटा। अरे लाइटी तो मारना है, चेहरे को सफेदी तो करना है, पाउडर लगाओ कि आटा लगाओ, बात तो बराबर ही है। ये है हमें अपने चेहरे पर निखारने की बदहवासी। ये चेहरा अल्लाह ने पर्दा के लिए बनाया सिर्फ अपने शौहर के लिए। ये मर्द औरत को ये हुक्म दिया कि ये शक्ल, ये सूरत, ये जिस्म, ये लिबास, ये उठना, ये बैठना सिर्फ और सिर्फ तेरे शौहर की रजा के लिए हो। जिस दिन इस चेहरे पे, जिस दिन इस सर पे, जिस दिन इस मांग पर, जिस दिन इस पांव में पाजेब इसलिए पहना गया कि मेरी पांव की आवाज पर, मेरे पाजेब की आवाज पर लोग ध्यान देंगे, लोग मतवज्जा होंगे, जिस दिन मेरी बहन ने यह सोच लिया मैं ये इसलिए लगा रही हूं ताकि मार्केट में लोग मेरी खुशबू को देख करके कहे आहा क्या खुशबू लगाई है, आहा क्या खुशबू लगाई है। जिस दिन तुमने ये सोच लिया, याद रखना मेरी माँ, मेरी बहन, आने वाली नस्लें तुझे माफ नहीं करेंगी। इसलिए कि ये कोख वलियम को पैदा करता है, कुतुब और अब्दाल को पैदा करता है। तेरी फितरत बदली,
तेरी सोच बदली, तेरे उठने बैठने का तरीका बदला, तेरे अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आई जिसके नतीजे में हमारी नस्लों में तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। 6 साल का बच्चा भी हनीकट बना रहा है और 18 साल का बच्चा बुलेट के लिए तड़प रहा है। इसलिए हुआ कि हमने ना अपने आप को समझा, ना अपनी औलाद को समझा, ना हमने अपनी औलाद को सही तालीम दी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ जगहों से कहा ताकि आपका जहन मुख्तलिफ बातों को सुनकर बिल्कुल आज़ादाना तौर पर समझ ले, आपके दिमाग पर बोझ ना बने। जो बातें मैंने आपको कही हैं, मैं ये समझता हूँ कि सब आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं? जितने समझ गए हाथ उठाइए। माशाल्लाह, ये तो जलसा कामयाब हो गया इमाम साहब आपका। चंदा होना कामयाबी नहीं है, समझना। अरे बोलो समझना। अगर एक लड़का इसमें से अच्छा से जींस पहन लिया, पैंट पहन लिया, नमाज का तरीका सीख लिया, जान लिया, तो जलसा कामयाब। मैं ये बता रहा था जींस के बारे में। बेटा देखो, जींस पहनना हराम नहीं है, समझा? हराम नहीं है। जींस पहनना, टी शर्ट पहनना हराम बोलो नहीं है, लेकिन ऐसा कपड़ा पहनना जिससे जिस्म की शाख, जिस्म की बनावट दिखाई दे, चाहे मर्द हो चाहे, अरे बोलो चाहे, बात समझ रहे हैं? जिस्म की शाख, जिस्म की बनावट, बात समझते हैं? उसको आप लोग समझिए। नहीं समझ रहे हैं तो मौलाना से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो वो दिखाई ना दे, वो उभरे नहीं, आप ये समझ लीजिए उसको, जिस्म की बनावट उभरे नहीं, ऐसा कपड़ा पहनना दुरुस्त है। और वो कपड़ा जिससे आपका जिस्म दिखाई दे, नमाज पढ़ो रुकू में जाओ तो नीचे ऊपर हो जाए सारा मामला। अब एक जगह हुआ है कि एक मौली साहब नमाज पढ़ा रहे थे, तो मौली साहब नमाज पढ़ा तो पीछे वाला का जींस था थोड़ा ढीला, वो नीचे हो गया। उससे पीछे वाला, वो भी जींस वाला था, वो पहली बार मस्जिद में आया था। अरे बात समझ रहे हो? समझ गया ये लोग। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे जींस वाला, उसका जींस ढीला, उसके पीछे भी जींस वाला, ये जो इमाम के पीछे जींस वाला था इसका जींस ढीला और ये 3-4 इंच नीचे ऊपर हो गया। अब बोलने नहीं दीजिएगा आप लोग, समझ गया सब। अब बताइए इतनी अच्छी तकरीर कौन समझाएगा आपको? मैंने बात मुकम्मल भी नहीं की और आप समझ गए। बहरहाल, तो पीछे वाला देखा, ओफो नमाज ऐसे पढ़ा जाता है। क्या कहा वो? नमाज ऐसे पढ़ा जाता है। वो भी धड़पड़ाया, अपना थोड़ा सा जींस नीचे किया है ना, उसके बाद जो है वो देखा अगले का को, वो जो रुकू में गया तो उसका सारा उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम मसला खड़ा हो गया उसका। ओफो ऐसे नमाज पढ़ा जाएगा वो? का ही आधा नमाज पढ़ा। क्या बोला वो? सोचा कि ये तो आधा, इतना खुला तो आधे नमाज हुई ना, वो पूरा उतार के फेंक दिया कि हम मुकम्मल नमाज अदा करके जाएंगे। तो मेरे बुजुर्गों ऐसा ना करें कि मेरी जिंदगी तबाही की तरफ चला जाए, हमारी सोच तबाही की तरफ चला जाए। अपनी नस्ल को तालीम दीजिए और ये बताइए कौन जायज है और कौन नाजायज है, कौन सा कपड़ा पहन सकते हैं, कैसा कपड़ा पहन सकते हैं। अगर जिंदगी में तब्दीली आएगी तो आखिरत के अंदर अल्लाह ताला कामयाबी देगा, और जिंदगी में अगर तब्दीली नहीं है तो याद रखिए हमारा हश्र खराब होने वाला है। आप लोगों ने मस्जिद बनाया है, छत की ढलाई का मसला है, सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी पेश की है। किस लिए पेश किया? कि मस्जिद बन जाए, बस मस्जिद बन जाए और बस, हो गया काम। उसके बाद क्या करना है? नमाज पढ़ना है। अगर नमाज पढ़ना है तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग हमको मेरा साथ दीजिए ज़रा सा, बस तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ मैं, आपका ज़रा इम्तिहान ले लेता हूँ। नमाज पढ़ेंगे तो इम्तिहान होना चाहिए ना। हमने ये किताबों में पढ़ा है कि वज़ू में 18 फ़र्ज है। कितना फ़र्ज है? कितना है रे? हाँ यही छोड़ा, इतना बड़ा बुचकुनिया का था, हो अल्लाह।
इसका मतलब वो भी समझ रहा है कि वजू में 18 नहीं है। कितना है बेटा रे? 4 है माशाल्लाह। नमाज पढ़ोगे? पक्की बात? ईमानदारी के साथ अम्मी को कहोगे, अब्बू को कहोगे? सुभान अल्लाह। तो ये 4 कितने हैं नमाज में? नमाज में कितने हैं? ये देखिए, यही तो मैं देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं नमाज, मैं कह रहा हूं वजू, जहन आपका एक जगह नहीं है। ये जो मैंने फराइज बताए कितने बताए? किसके? नमाज के या वजू के? वजू के। अच्छा, इससे पहले क्या गुस्ल है ना? गुस्ल आसान तरीका सबको मालूम होगा, जो भूल गए वो याद कर लीजिए। गुस्ल में आसान तरीका, गुस्ल में 6 फराइज। कितने फराइज? आप पकड़े गए कर अच्छे। तो गुस्ल में कितने? 3। पहला क्या है? पांव धोना। तो हाथ धोना। क्या है बताइए? अब सुनिए आसान तरीका। आपके जिस्म में जहां भी बाबू का हलवा तलवा लगा हुआ है, छोटका बाबू पेशाब कर दिया गोदी में नहीं होता है, तो उसको धो लेना है। उसके बाद जो है आपको ये क्या आई मुंह, इसको क्या बोलते हैं? थुथरा। हाँ, थुथना बोलते, थुथना। कुरान में कहा थुथना पर मोहर लगा दिया जाएगा तेरे। अलयौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। लबर 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 जो करती है ना मेरी माँ बहन, चुगला चुगली का मुंह पर ऐसा मोहर मारेंगे ना कि बस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसको थुथरा पर। तो इसमें क्या करना? पानी डालना। कई बार? 3 बार, 2 बार या 1 बार में अगर हलक तक आ जाए पानी, 3 बार करना सुन्नत है, अफजल है। ठीक है? क्या करना है? यहाँ तक। कहाँ तक? गलगला करना जिसको बोलते हैं। कितना हो गया? कितना हुआ? 1। दूसरा मुंह के ऊपर क्या है? नाक में 6 बार पानी डालना। अच्छा, 3 बार नाक के इस नरम हड्डी तक पानी डालना। आराम है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा काम क्या है? पूरे बदन पे पानी बहा लेंगे, हो गए पाका। यही तो है। अब इसको लोग समझते नहीं है। अब इसी वजू का मसला है। 4 फ्राइज, पहले हाथ को धो लेंगे यहां से यहां तक। ठीक है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है बोलो? अरे बोलो। ये मुंह जिस पर पाउडर लगाते हो, क्रीम लगाता है गोरा होने के लिए, क्रीम लगाता है, ये मुंह धोना। कितना हो गया? और तीसरा क्या है? मुंह के ऊपर क्या है? हेनिकट। मुंह के ऊपर क्या है? सर। सर पे क्या है? बाल। अगर 4 बाल 10 बाल भी आपके हथेली में आ गया, आपने ऐसे भी कर लिया एक हाथ से, तो आपका फर्ज अदा हो गया। कितना हो गया? 3। चौथा क्या है? दोनों पांव को यहां तक धोना, तब टखनों समेत धोना। माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं। जब जब नमाज पढ़ने आप आएंगे, तो अगर मस्जिद में मसल्ला नहीं हो तो नमाज पढ़िएगा? अरे बोलो, पढ़ सकते हो? छत तो बना दिया आपने, मसल्ला कौन देगा? अरे मसल्ला होना चाहिए कि ना होना चाहिए? तो सब आदमी मिलकर के अभी इस वक्त 1 मसल्ला का पैसा दीजिए, तब दुआ कराएंगे। 1 मसल्ला की कीमत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5,000। कितना? और सबको मिलकर के देना है, ये नहीं कि एक आदमी को देना है। जब तक नमाज पढ़ेगा, जब तक मसल्ले पे कुरान पढ़ा जाएगा, आपको सवाब मिलेगा, डायरेक्ट सवाब मिलेगा। तो 5,000 रुपया के लिए 500 से भी मदद कर सकते हैं, 100 से भी मदद कर सकते हैं, 5,000 से भी मदद कर सकते हैं। जिसको माँ से मोहब्बत होगा वो देगा 5,000 रुपया, जिसको सास से मोहब्बत होगा वो 500 देगा। हाँ, अगर सास से मोहब्बत है तो 500, अब माँ से मोहब्बत है तो 5,000। अब देखते हैं इसमें किसको अपनी माँ से मोहब्बत है, बोलो। है किसी को अपनी माँ से आ गया भैया, वे देखिए माशाल्लाह। नाम लिखिए भाई का, इनका नाम लिखिए।
अल्लाह ताला देखिए जो जो भी आ रहा लिखते जाइए, चलिए कोई बात नहीं, आ रही आइए भेजिए, आइए भेजिए माशाल्लाह लाइए, चलो चलो आ जाओ, दुआ कर देंगे आ जाइए, 100, 200, 500, 25 रुपया माँ से मोहब्बत के नाम पर, वो माँ जिसने दूध निचोर निचोर के पिलाया, जवान किया, आइए उस माँ के लिए 100 रुपया 200 रुपया मस्जिद में मुसल्ले के लिए। दोस्तों आप देख रहे हैं एनबी मीडिया यूट्यूब चैनल, इस तरह वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।